हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी देश की सबसे ऊंची सरकारी पोस्ट होती है और आमतौर पर यह सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी को मिनिस्टर्स की एक कमेटी से सुझाव लेकर प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुना जाता है। देश की सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर होती हैं और उनके हेड, जिनको सेक्रेटरी कहा जाता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी इन सभी मिनिस्ट्रीज़ में चलने वाले कामकाज की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को देता है। कैबिनेट सेक्रेटरी देश का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की बहुत सारी पावर्स होती हैं। देश में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो कोई भी रूल या कोई भी पॉलिसी उनमें नई बनती है तो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का साइन ज़रूर होता है। इसके अलावा, क्योंकि वो आईएएस और ऑल स्टेट सिविल सर्विसेज का हेड भी होता है, तो वह किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को सस्पेंड कर सकता है। तनख्वाह देश में सरकारी कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा होती है और अभी यह 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। इसके अलावा उन्हें एक बहुत ही शानदार कार और एक बहुत ही बड़ा घर भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें बहुत सारी सरकारी सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज, किसी भी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपने कामकाज के लिए कर सकते हैं, इस तरह की सुविधाएं। तो दोस्तों, ये तो थी कैबिनेट सेक्रेटरी को लेकर बहुत ही बेसिक जानकारी। धन्यवाद।